जंगल में बारिशों का मौसम था। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। उसी जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया रहती थी जो कि गर्भवती थी। तभी टुनटुनी चिड़िया के पास कालू कौवा आता है। टुनटुनी चिड़िया, आप अपना घोंसला किसी ऊंचे स्थान पर बना लो। खबर मिली है कि हमारे जंगल में बाढ़ आने वाली है, तो कहीं आपका घोंसला बह ना जाए। लेकिन कालू भैया, मैं अपना घोंसला कैसे बनाऊंगी? मैं तो गर्भवती हूँ और डॉक्टर ने मुझे आराम करने को बोला है। मैं आपकी मदद जरूर करता, लेकिन मेरे घोंसले तक पानी आ गया, इसलिए मैं अपने ऊंचे घोंसले की तैयारी कर रहा हूँ। ऐसे कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी सब कुछ देख रही थी। सब अपनी अपनी घोंसले बनाने में व्यस्त है। पता नहीं मेरी मदद कोई करेगा भी या नहीं। मैं पहले हरिया तोता के पास जाती हूँ, शायद वो मेरी मदद कर दे। ऐसे सोचकर टुनटुनी चिड़िया हरिया तोते के घर चली जाती है। हरिया भैया, मैं गर्भवती हूँ, अगर आप मेरा घोंसला बना दोगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। टुनटुनी चिड़िया, मैं अपना घोंसला बनाने में लगा हुआ हूँ। जब मेरा घोंसला बनकर तैयार हो जाएगा तो आपका घोंसला बना दूंगा, तब तक आप इंतजार करें। हरिया भाई, आपका घोंसला बनाने में कितने दिन लगेंगे? मेरा घोंसला बनने में 3 से 4 दिन लगेंगे। जैसे ही घोंसला बन जाएगा मैं आपके घोंसले का काम शुरू कर दूंगा। ऐसे कहकर हरिया तोता अपना काम करने लग जाता है। मैं 3 से 4 दिन तो नहीं रुक सकती, अब किसी और से मदद लेनी होगी। फिर टुनटुनी चिड़िया टूनी चिड़िया के घर जाती है और उसे सारी बातें बताती है। टुनटुनी, इस हालत में तेरी जरूर मदद करती, लेकिन मेरे इस मोटापे के कारण मैं खुद का ही घोंसला पूरा नहीं कर पाई, तो तू मुझे माफ कर दे टुनटुनी। कोई बात नहीं टूनी, मैं कहीं और जाती हूँ। ऐसे कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और खुद ही घोंसला बनाने की तैयारी करती है। वो कुछ लकड़ियाँ लेकर ही आती है कि तभी उसके पेट में तेज दर्द होने लगता है। फिर वो एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। हे भगवान, अब तो मुझसे उड़ा भी नहीं जा रहा, तो मैं घोंसला कैसे बनाऊंगी? अगर मैं गर्भवती न होती तो बाकी पक्षियों की तरह अपना भी घोंसला बना लेती। टुनटुनी चिड़िया ऐसे सोच ही रही थी कि तभी तेज हवाएं चलने लगती है और आसमान में बादल छा जाते हैं। मौसम कितना खराब हो गया, लगता है अब नया घोंसला बनाने के लिए कोई नहीं मिलेगा। अब मुझे पुराने घोंसले में ही जाना चाहिए। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने पुराने घोंसले की तरफ निकल जाती है और तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में जाकर ही रुकती है। अच्छा हुआ जो सही सलामत घोंसले तक पहुंच गई, वरना इस तेज तूफान ने तो मेरी जान ही ले ली थी। ऐसे में टुनटुनी चिड़िया बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी, लेकिन बारिश तो और भी तेज होती जा रही थी और थोड़ी ही देर में पानी टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में भर जाता है। पानी तो घोंसले के अंदर आ गया, लगता है मुझे घोंसला जल्दी से छोड़ना पड़ेगा। फिर टुनटुनी चिड़िया जल्दी से अपने घोंसले से बाहर आती है और घोंसला जमीन पर गिर जाता है। हे भगवान, अब इस तेज बारिश में कहाँ जाऊँ? ये घोंसला तो टूट गया और मेरी तबीयत पहले से ही खराब है। टुनटुनी चिड़िया ऐसे बारिश में अकेली बैठी थी, तभी एक बड़ी चील की नजर चिड़िया के ऊपर जाती है। अरे, ऐसी तेज बारिश में ये चिड़िया बिना घर के अकेली बैठी है, लगता है ये अंडे देने वाली है। ओए ओए, इसे अपने घर ले जाता हूँ, जब ये अंडे देगी तब बड़े मजे से खाऊंगा। ऐसे सोचकर बड़ी चील चिड़िया के पास जाती है और बड़े प्यार से टुनटुनी चिड़िया से कहता है। अरे चिड़िया, इस तेज बारिश में आप यहाँ क्या कर रही हो? आपको इस हालत में भीगना नहीं चाहिए, आपको ठंड लग जाएगी। हाँ चील भाई, मैं माँ बनने वाली हूँ और मेरे पास रहने को घर नहीं है, अगर आप मेरी मदद कर दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। ओए, एक पक्षी ही तो दूसरे पक्षी के काम आता है, जब तक ये बारिश रुक न जाए तब तक तुम मेरे घर पर रहना, वहाँ किसी चीज की कमी नहीं होगी तुम्हें। ऐसे कहकर चील टुनटुनी चिड़िया को अपने घर ले जाता है। टुनटुनी, आप इस घोंसले में रहें और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। ऐसे कहकर चील वहां से अपने घोंसले में आ जाता है। तभी चील की पत्नी उसे डांटते हुए कहती है।
आप इतने दयालु कब से हो गए? जो इस चिड़िया को घर ले आए, मैं अभी उसको भगा कर आती हूँ। नहीं नहीं, आप उस चिड़िया को नहीं भगा सकते। मैं यहाँ उसे उसके अंडे खाने के लिए लाया हूँ। क्या कहा आपने? वो चिड़िया अंडे देने वाली है? हाँ, वो चिड़िया 2 या 3 अंडे तो दे ही देगी। फिर इस बारिश के मौसम में बड़े मजे से अंडे खाएंगे। अरे वाजी, आपके अंदर तो बड़ा दिमाग है, मैंने तो ये कभी नहीं सोचा था। पति पत्नी दोनों ऐसे बातें कर रहे थे कि तभी टुनटुनी चिड़िया उनकी बातें सुन लेती है। अरे बाप रे, ये दुष्ट तो मेरे अंडे खाने वाले हैं। मुझे यहाँ से कोई ना कोई बहाना बनाकर भागना पड़ेगा। फिर ऐसे कहकर टुनटुनी चिड़िया घबराई हुई चील के पास जाती है। चील जी, मैं अपनी मौसी के घर जा रही हूँ, तो अब आप मुझे इजाज़त दें। क्यों टुनटुनी चिड़िया, अगर आपको कोई परेशानी है तो हमें बताएं। नहीं नहीं, मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए मैं अपनी मौसी के घर जा रही हूँ। चुपचाप से अपने घोंसले में चली जाओ, जब तक तू अंडे नहीं दे देती तब तक तुझे कहीं नहीं जाने देंगे। ऐसे कहकर चील टुनटुनी चिड़िया को घोंसले में बंद कर देता है और अपनी पत्नी से कहता है, ये चिड़िया कोई भी बहाना बनाए, लेकिन इसे जाने मत देना, इसके अंडे तो हम खाकर ही रहेंगे। भगवान, मैं कहाँ फंस गई? मुझे इन दुष्टों से बचाओ, इस घर में तो कोई भागने के लिए खिड़की भी नहीं है। टुनटुनी चिड़िया डरी हुई अपने घोंसले में बैठी हुई और जंगल के बाकी पक्षी अपने नए घरों में आराम से बैठे हुए थे। वही कालू कौवा टुनी चिड़िया से कहता है, टुनी बहन, मेरे नए घर को बनने में तो पूरे 4 दिन लगे हैं, तब जाकर ये घर बना है। दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी टुनी चिड़िया को टुनटुनी चिड़िया की याद आती है। अरे टुनटुनी चिड़िया कहाँ है, मैं तो उसे भूल ही गई। टुनी, टुनटुनी चिड़िया तो अपने घोंसले में होगी, और कहाँ होगी? कालू भाई, टुनटुनी चिड़िया माँ बनने वाली थी और वह मुझसे अपना घर बनवाने के लिए आई थी, पर मैंने उसे 3-4 दिन रुकने को बोला था, लेकिन उसके बाद वो मेरे पास अब तक नहीं आई। फिर टुनी बहन, ऐसे खराब मौसम में टुनटुनी कहाँ होगी, हमें उसे ढूंढना होगा। फिर वो दोनों टुनटुनी चिड़िया को ढूंढने निकल जाते हैं। भगवान करे वो सही सलामत हो, वरना मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। ऐसे बातें कर वे दोनों चील के घर जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया के बारे में पूछते हैं। चील जी, क्या टुनटुनी चिड़िया आपके घर आई है? नहीं नहीं, हमारे घर कोई चिड़िया नहीं आई। ऐसे कहकर चील तुरंत ही अपना दरवाजा बंद कर लेती है। कालू भाई, ये चील झूठ बोल रही है, टुनटुनी इसके घर के अंदर है, हम फिर से इसका दरवाजा बजाते हैं। वो दोनों फिर से चील का दरवाजा खटखटाते हैं और दरवाजा खुलते ही घर के अंदर चले जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया को ढूंढ लेते हैं। अच्छा हुआ जो आप दोनों यहाँ आ गए, वरना ये दुष्ट चील मेरे अंडे खा जाते। फिर वह तीनों अंडों को लेकर चील के घर से बाहर चले जाते हैं और टुनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को अपने घर में रख लेती है। फिर कालू कौवा और टुनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के लिए घर बना देते हैं और वो अपने घर में खुशी खुशी रहने लगती है।